उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अभी अभी 23 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। तो उत्तराखंड में आज 2 बजे के बाद कुल मिलाकर 38 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में अब तक 2023 लोग कोरोना वायरस संक्रमित हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की 9 बजे की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2023 हो गई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, एक और कोरोना की मौत हो गई, इससे आंकड़ा मौतों का आंकड़ा भी 26 हो गया है। तो बड़ी खबर आ रही है इसमें, अभी अभी कोरोना के जो मरीज मिले हैं इसमें देहरादून में 27, हरिद्वार में 3, बागेश्वर में 5 और उधम सिंह नगर में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में एक डेथ हुई है जो कि 18 साल का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, 18 साल के युवक की मौत हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत चीन हिंसक झड़प, अब अजीत डोभाल और बिपिन रावत के कंधों पर बड़ा जिम्मा दिया गया है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे कई बार बैठक कर चुके हैं। खबर है कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की। अजीत डोभाल और बिपिन रावत इससे पहले डोकलाम की अपनी प्लानिंग से चीन के चारों खाने चित कर चुके हैं। गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। वहीं एक तरफ हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि अभी 4 जवान की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प से भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। एक बार से फिर से देश की सुरक्षा का जिम्मा एनएस अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के कंधों पर आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। इसमें थल सेना, वायु सेना, इंडियन नेवी के तीनों सुप्रीमो को बुलाया गया है। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी बिपिन रावत को इस मीटिंग का मुख्य जिम्मा दिया गया है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अजीत डोभाल को नए सिरे से प्लानिंग की जिम्मेदारी मिली है। और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भ्रम में ना पालें, उकसाने वाले पर हर हाल में देंगे जवाब। तो LAC पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा, भारत उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। इज्जत खबर आई है पौड़ी से, जहां पे कोरोना से लड़ने के लिए पौड़ी को मिलेंगे हाईटेक एम्बुलेंस और इसी के साथ इनमें एक एम्बुलेंस लाइफ सपोर्टिंग भी होगी। और खबर है गदरपुर से, जहां पे पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई है। तो लखनऊ कॉलोनी में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटना स्थल से निकली, लेकिन 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा दिया। हाथ तो तब हो गई जब घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंजन फेल हो गया। इससे समय पर आग नहीं बुझाई जा सकी, जिससे कि मजदूर का पूरा सामान जल करके खाक हो गया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में हेयर ड्रेसर, स्पा और सैलून संचालकों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। तो अब जो है इसके लिए एक SOP जारी की गई है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार
जितने भी दुकान है अब हर दुकान को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। सैलून और हेयर ड्रेसर शॉप में काम करने वालों को मास्क के साथ साथ फेस शील्ड पहनना होगा। वहीं डिस्पोजल ग्लव्स यूज करने होंगे। कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को दुकानों में काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी। नई एसओपी के मुताबिक सैलून में आने वाले हर ग्राहक और कर्मचारी की गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। और एक साथ खबर आई है कि एंट्री पॉइंट पर हैंड सैनिटाइजर भी रखा जाएगा। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है जहां पे गहरी खाई में गिरी है कार, दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो खबर आई है उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड से, जहां पे चिन्याली सौंड के बलडोगी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमें दो लोगों की मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि वाहन में चार लोग सवार थे। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना अब से कुछ देर पूर्व हुई है और घटना के लिए पुलिस और रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है। खबर की पूरी जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है। और इससे बड़ी खबर आई है उत्तराखंड हिमाचल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चीन के तनाव को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं उत्तराखंड के लिए और हिमाचल के लिए यहां पे सेनाओं को भेजा जा रहा है और लगातार यहां पे तैनाती की जा रही है।